भारत और चीन बॉर्डर पर जिस तरह से तनाव फैला है और सैनिकों के ऊपर हमला किया गया, सैनिक शहीद हुए भारत के, तो उसका गुस्सा सूरत में भी देखने को मिला। आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से जो युवा है वो इस तरह से विरोध कर रहे हैं, और यहाँ पर जो चाइना का जो फ्लैग है उसे जलाया जा रहा है, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका जो तस्वीर है उस पर जूते चप्पल मारे जा रहे हैं, उनका पोस्टर जलाया जाकर विरोध किया जा रहा है। अनूप राजपूत मौजूद है। अनूप, बताइए क्या कहना चाहेंगे पूरे विरोध को लेकर आप? एक तरफ भारत देश और चाइना एक दूसरे की दुआई देते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, और जो भारतीय सेना के खिलाफ और भारत के खिलाफ चीन ने जो कायराना हमला किया है हमारे सैनिकों पे, वो उसके साथ हम सहयोग नहीं रखते, और चीन ने जो कायराना काम किया उसको भारत देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। हमारे सरकार को चाहिए, हमसे हम ये मांग करते हैं कि उनको एक ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, और चीन की इस कायरता को भारत देश का कोई भी नागरिक या युवा माफ नहीं करेगा। बिल्कुल, जिस तरह से चीन ने अपनी कायराना हरकत के जरिए भारतीय सैनिकों पर हमला किया है, उनको शहीद किया है, इससे पूरे देश में गुस्सा है, और उसकी सीधी तस्वीरें सूरत में भी देखने को मिल रही है। सूरत के सोशियो सर्कल इलाके में जो सूरत के लोग हैं उन्होंने चाइना के खिलाफ अपनी गुस्सा का इजहार किया है, और आप देख रहे हैं किस तरह से जो चाइना के राष्ट्रपति उनका फोटो है उसको जलाया जा रहा है, जो उनका ध्वज है उसे जलाकर अपना गुस्सा प्रकट किया जा रहा है। तो इस तरह से सूरत में चाइना के खिलाफ प्रचंड जो है विरोध देखने को मिला है। कैमरामैन साहिल जगताप के साथ संजय सिंह राठौर, गुजरात तक।